अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज ये ब्लॉग होने वाला है एक क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां क्रिकेट खेला जाता है बहुत ज़्यादा। देखते हैं कौन विराट कोहली है और कौन हाशिम आमला। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है कि रोड पार करेंगे कैसे। मारुति वाले ने देखो इन्हें डराया और ये ले गया, तो रोड तो पार करा हमने, देख आया रोड पार हो गया। चलते हैं अपने गेम के ओर और वीडियो में बने रहे हैं। इसी बस ये मैं ब्लॉग अभी शूट करने की मेरी आदत नहीं है, इस वजह से मैं ढंग से बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, या ना अब तो ये अभी कोई ग्राउंड है शायद, मैं दिखा देता हूँ आपको। चलते चलते कहीं देर हो जाती है, चलते चलते थक जाते हैं। ये डायलॉग आपने नहीं सुना होगा मगर मैंने सुना दिया, बस डायलॉग भी आप लगना अपना। तो हमने दिखा देता हूँ पीछे का कैसा माहौल है, पीछे कोई आ गया। तो गाइस देखिएगा, प्लेन दिख रही है आपको मेरे पीछे, कहाँ है यार प्लेन, किधर है यार, दिख रही है क्या? दिख जा दिख जा दिख जा, किधर है यार, प्लेन ही नहीं दिखा। दिखो प्लेन, दिखा क्या नहीं दिखा यार, प्लेन दिखाया मैंने आपको, प्लेन नहीं दिखा। वो ये है हमारी बकरी, ये है बकरी चुप रही है इधर, मैदान से दिखा दो, मैदान 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 मैदान। तो ये आ रहे हैं सारी भाई वाइट सेट में, ये ढीले पड़ते हुए, इनका हुआ पेट में दर्द। तो मैं अपने सभी क्रिकेटर वालों से मिलाता हूँ, मैच खेलने के लिए आए। चलिए इनके तरफ चलते हैं, आइए क्या देखते हैं। ये हैं सब क्रिकेटर, ये फरमान भाई, एक तो ये हैं फरमान भाई, ये विराट कोहली के छोटे भैया और ये हैं बड़े भैया, और ये हमारे सब साथ वाले हैं क्रिकेट खेलने के लिए आए। ये मुस्तकीम भाई हैं, काफ़ी मेहनती आदमी हैं, और ये मास्टर हैं जो कटिंग करते हैं, हमें काम देते हैं। और ये बाकी यार दोस्त हैं सब साथ में खेलने के लिए आए, क्रिकेटर डॉक्टर साहब। ये है मोहसिन भाई जो काफी सब में मतलब सबसे ज्यादा हाइट है इनकी पूरी मैच में, कमर भाई के कारीगर हैं ये, और डॉक्टर साहब को दिखा दो भाई। और हम अपने पास में डॉक्टर भी रखते हैं, क्योंकि किसी का चोट लग जाए तो पट्टी हाथों हाथ बांध सकते हैं। तो डॉक्टर साहब किधर है यार, आइए। तो ये डॉक्टर साहब, क्योंकि इनका होना जरूरी है, कभी पाँव में मोच आ जाए चोट लग जाए तो काम टाइम से हो जाता है और किसी के दिक्कत भी नहीं आती है। तेज जाओ। और अभी तो कुछ लोग ये बैठे हैं, ये रिटायर हो गए हैं, अभी गेम से निकल गए हैं। और ये सारिक भाई, तो सारिक भाई आप कुछ कहना चाहते हैं। तो हमारा कारोबार काफ़ी बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं सब बकरी साथ में चलती हैं अपने, जहाँ जाओ वहाँ ब्लॉग भी बनता है और बकरी भी चलती हैं। तो बकरी से कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि ये गूंगी होती हैं सब, मैं से कल आप कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ बोलती भी है यार ये, मगर बोलती कैसे हैं ये, तो मैं इससे पूछ के देखता हूँ। हाँ भाई, अरे नहीं बोल रही है यार, मैंने कर दी, बोल रही है कि मैं क्या करूँ, बोल के यार मैं अभी खाना खा रही हूँ, बाद में लंच करके बोलूँगी, क्योंकि बकरी है ना, बकरी का तो काम है मैं करना था, इससे अलावा क्या कर सकती हूँ। तो देखो भाग गई बकरी, भाग गई भैया यहाँ से। और एक ये है बड़ी वाली, इससे मिलवाते हैं, भाग गई भाई, चले भाग गई बकरी, भाग गई। ये जा रहे हैं विराट कोहली का छोटा लड़का, ये यहाँ तक कि बकरी भी आई है देखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है इंडिया का ये। तो बकरी हेलो, क्या अरे कुछ नहीं कह रही है, मना कर रही है यार, धूप बहुत ज़्यादा है जी, मगर धूप में चेहरा खिल लिया ये बात तो है जी। अच्छा अच्छा, तो ब्लॉग में बस ऐसे ही बने रहे, हमारे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। इधर दिखाता हूँ कितनी लकड़ी पड़ी है, बस तो ये इतना ही था, मैं और कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे याद नहीं आ रही क्या बोलूँ मैं, बस आप सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ ना कुछ बनाते रहूँगा ऐसे।
ये किसका फ़ोन आ गया दिखा मेरे पास, लगता है मुकेश अम्बानी का आया दिखा, क्योंकि मुकेश अम्बानी वो क्या नाम है, मुकेश अम्बानी का लड़की का शादी है ना आज, तो उसने फ़ोन करा दिखा मुझे, शायद मैं बात करके देखूँ। ठीक है, हेलो, हाँ मुकेश अम्बानी क्या हाल चाल है तेरे, ठीक है ना, क्या लड़की की शादी है, मैं नहीं आया, अरे यार मैं आ तो जाता मगर मैं एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर दिया था ना, इस वजह से नहीं आ पाया मैं। हाँ जब चौथी होगी ना आपकी लड़के की तो बुला लेना मुझे, ठीक है, हाँ ठीक है। विराट कोहली बड़ा वो क्या नाम है उसका, मुकेश अम्बानी बड़ा ख़तरनाक आदमी है, पहले सिम फ्री देता अभी बाद में लूटता सबको, हाँ ये बात तो सही है भाई साहब। तो देखिए कचरा ही कचरा हर जगह, मुकेश अम्बानी की आज लड़की की शादी थी ना, तो उसने मुझे इनवाइट किया था मगर मैं जा नहीं पाया, तो अभी गिरता मैं अभी गिरता। और बताओ यार दोस्त, बस ये ब्लॉग मेरा यहाँ तक ही था, अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ब्लॉग बनाते रहूँगा अगला, फिर बोलने से रह गया मैं, क्योंकि मुझसे बोलना नहीं आता अभी, मैं नया नया हूँ इस वजह से, तो आप ब्लॉग को लाइक करिए और शेयर भी करना, तब तक के लिए गुड बाय।